हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जनरल साइंस घटनाचक्र का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको पता है। मेजॉरिटी क्वेश्चन यहीं से रिपीट होके आएगी, आप चाहे कोई भी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो। तो इसमें हमें डिस्कस क्या करना है, इसमें डिस्कस करना है न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर। फिजिक्स अभी डिस्कस करें, फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स देख रहे हैं, डिस्कस करें। और भी आप प्लेलिस्ट देख लो, इस नंबर पर मैसेज करके अगर आपको लेना है तो इस नंबर पे मैसेज कर लो, और बाकी सारे प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ मेजोन। आपको इन करेक्ट पेयर को चुनना है। मेजोन की डिस्कवरी किसने की थी? हिडेकी युकावा ने। ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो आपको एटॉमिक पार्टिकल तो हमें पता ही होना चाहिए, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा है मेजोन के बारे में क्वेश्चन बस ये पूछा हुआ है कि डिस्कवरी। पॉजिट्रॉन का डिस्कवरी सी डी एंडरसन और यू एफ हेस ने किया था। थ्योरी एक है ना कि सन और स्टार से एनर्जी प्रोडक्शन होती है, इस थ्योरी किसने दिया था? एच ए बेथे ने दिया था। लेकिन ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट का सिंथेसिस फर्नी ने ट्राई जरूर किया था, लेकिन उससे हुआ नहीं था। ये 1934 में ट्राई किया था, लेकिन एक्चुअली ये किया किन्होंने था? टी शिबोर्ग ने किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसको प्रोपाउंड किसने किया था? हम सबको पता है डार्विन साहब ने, कि इवोल्यूशन की थ्योरी, कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, इवॉल्व करता है, चेंज करता है अपने प्रोसेस में, अपने शेप में। द ब्रेकिंग अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज फ्यूजन। देखो देखो, ये सीधा सीधा ये आपको पता है, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, न्यूक्लियस का टूटना, एक से दो बनना। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, दो से एक बनना, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर बम में क्या होता है? न्यूक्लियर बम होता है कौन से प्रोसेस पर काम करता है? फ्यूजन। लेकिन हाइड्रोजन बम किस पर काम करता है? फ्यूजन पे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, लेकिन हमको गलत ही चुनना है। ड्राई आइस को ऑब्वियसली, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बनते हैं। टेलीफोन को इन्वेंट किया था ग्राहम बेल ने। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आपसे इंडिविजुअल स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। रदरफोर्ड ने एक स्टेटमेंट बोली थी, सेड इन रॉयल सोसाइटी दैट अ मैन विल नेवर बी एबल टू गेट अ न्यूक्लियर एनर्जी। सीधा सीधा बोला था कि मैन कभी न्यूक्लियर एनर्जी पा ही नहीं सकता, जो कि गलत है, पा लिया। उसके बाद ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट द लॉ ऑफ आइंस्टाइन विल फेल एंड द वॉल्यूम विल नेवर बी कन्वर्टेड इन टू एनर्जी, ठीक है। मतलब जो एनर्जी थ्योरी है ना इनका, जो ये बोलते थे कि ये तो फेल हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ए है, क्योंकि वॉल्यूम से एनर्जी कन्वर्ट होगा तभी तो न्यूक्लियर एनर्जी बनेगा, इनके बारे में बोलते ये होगा ही नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, और आपस में एक्सप्लेन भी करे, तो ए इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है। वन ऑफ दीज पार्टिकल्स इज क्लेम्ड टू हैव इन्वेंटेड, मतलब कि इसमें से एक पार्टिकल है, चाहे इन चारों में से कोई हो, उसके बारे में क्लेम किया गया कि ये क्या कर सकता है? आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को नकार सकता है। भाई क्यों नकार सकता है? आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलता था? कि किसी भी सरकमस्टांस में कुछ भी हो जाए, लाइट से स्पीड कोई पार्टिकल हो ही नहीं सकता। लाइट से ज़्यादा स्पीड 3×10^8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो ही नहीं सकता। लेकिन दो इंसान थे, एक का नाम है जर्मनी जर्मनी के दो इंसान हैं, एक है गुंटूर नाम है, एक है एल्फोंस, याद नहीं करना है, जर्मनी के किसी यूनिवर्सिटी में थे। तो इन्होंने बोला, इन्होंने एक माइक्रोवेव फोटोन बनाया और उसको थोड़ा प्रोपेल किया, और उसको पता चला कि ये तो इवन लाइट के स्पीड से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये डायरेक्ट किसके थ्योरी का वायलेशन है? जो आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका वायलेशन है। सिंपल ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि साइक्लोट्रॉन्स एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? यूज टू एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब किसी के स्पीड को बढ़ाना। एक्सेलरेशन का मतलब वही होता है ना, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। तो स्पीड को बढ़ाना कौन कर सकता है? ये कई चीजों के, साइक्लोट्रॉन क्या करता है? कई चीजों के स्पीड को बढ़ा सकता है, जैसे अल्फा पार्टिकल के स्पीड को, ड्यूट्रॉन के स्पीड को, इवन प्रोटॉन के स्पीड को भी, ठीक है ना। लेकिन ये सब के नहीं, तो याद रखना है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स।
देखो ये क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको रेयर ही मिलेंगे, मतलब बहुत कम पूछे जाते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड, ये आपको बस याद कर लेना है, टू कंफर्म वेदर ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टेन ए गामा एमिटिंग आइसोटोप, मतलब जो हम पानी पीते हैं उसमें गामा एमिटिंग आइसोटोप मिलता है या नहीं, ये पता कैसे लगाएंगे। एक सिंटिलेशन काउंटर होता है, इससे पता लगाएंगे। सिंटिलेशन काउंटर एक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उसमें आयोनाइजेशन रेडिएशन होते हैं ना किसी वाटर में, किसी चीज़ में, उसको पकड़ लेता है। कैसे? एक्साइटेशन इफेक्ट करके। एक्साइटेशन इफेक्ट तो हम पता है किसी चीज़ पे, मान तो इससे कोई रेप आता है तो एक्साइट होता है कि नहीं, बाहर निकलना होता है ना, वो होता है कि नहीं, उससे पता लगेगा। तो बस आपको ध्यान रख लेना है सिंटिलेशन काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्स ऑब्टेन एनर्जी। एक तो हमें पता है स्टार एनर्जी कैसे लेता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से लेता है, हम सबको पता है, ये बथेरे एग्जाम में आ गया है, स्टार न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूजन, और इसी से हाइड्रोजन बम, इसी थ्योरी पे बनता है। हाइड्रोजन बम जो बनता है ना, इसी थ्योरी पे बनता है। न्यूक्लियर फ्यूजन याद करें, न्यूक्लियर फ्यूजन के अलावा एक और चीज होता है। एक तो होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी ये वाला ऑप्शन गायब, और न्यूक्लियर फ्यूजन तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, तो चार वैसे भी गायब है, ठीक है। वन होगा, अब देखते हैं, 1, 2, 3। केमिकल रिएक्शन कुछ हो रहा है कि नहीं? केमिकल रिएक्शन एज एज सच ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, तो तीन भी गायब। यही एक ऑप्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन भी होता है, ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, अर्थ का अभी अपना ग्रेविटी होगा ना, उसके सॉरी सन का अपना ग्रेविटी होगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, थोड़ा छोटा होता जाता है, ठीक है ना। तो दो इज करेक्ट, वन वन एंड टू इज करेक्ट, लेकिन जनरली आपको न्यूक्लियर फ्यूजन याद ही रखना है, इसी पे बेस्ट, हाइड्रोजन बम भी इसी पे बनता है, ये भी बात याद है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे एक चीज और बताना था, हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है, तो यानी अब देख रहे हो ये और ये मिलके आपस में फ्यूज हुए ना, फ्यूजन इसी को बोलते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना, इसमें आपको कई सारे चीज आपको मिलेंगे जिससे आपको आराम से ऑप्शन निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो, इन न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन इज पॉसिबल। सेल्फ सस्टेन्ड चैन रिएक्शन, ये अनकंट्रोल चैन रिएक्शन नहीं होता है, अनकंट्रोल चैन रिएक्शन से न्यूक्लियर बम बनाया जाता है, लेकिन सेल्फ सस्टेन कि आप कंट्रोल करो, कंट्रोल करने में क्या होता है कि इससे न्यूक्लियर एनर्जी आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि आपको यूज करना है तो आप रिएक्शन को कंट्रोल करके रखते हो ना, ये बात कर रहा है। तो मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज इन ईच ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन, इसमें होता क्या? देखो आप सिंपल समझो, बहुत सारे न्यूक्लिक मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लो थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम, ये मेन है, थोरियम प्लूटोनियम यूरेनियम। इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलता है ये बताओ, इंडिया में क्या मिलता है सबसे ज़्यादा? यूरेनियम इंडिया में सबसे ज़्यादा है, ये बात याद रखिए। और जब ये टूटता है इससे क्या होगा, न्यूट्रॉन्स रिलीज होता है। न्यूट्रॉन्स रिलीज होने के क्या करता है, न्यूट्रॉन्स और भी तोड़ने में मदद करता है। तो मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज इन ईच ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन, जितना न्यूट्रॉन रिलीज होगा उतने बाकियों को तोड़ेगा, तो ये बात तो क्या है, करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। द न्यूट्रॉन्स इमिडिएटली टेक पार्ट इन फ्यूजन प्रोसेस, नहीं, इमिडिएटली टेक पार्ट नहीं करते, ये बात याद रखिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, भाई इतना अगर तेजी से हो रहा है, कोई तो मॉडरेटर आना चाहिए, कोई ना रोकने वाला तो आना चाहिए, तो कुछ ऐसा है जो काम करता है न्यूट्रॉन्स के स्पीड को कम करने का काम करता है, कि जितना स्पीड कम करेगा ना, क्योंकि आपको न्यूक्लियर से एनर्जी बनानी है, बम तो बनाना नहीं है, तो एनर्जी बनाने के लिए आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, तो कंट्रोल कई चीज़ें से पड़ती है, एक तो हेवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट का यूज होता है, ये बात सब याद रखिए, इंडिविजुअल क्वेश्चन में पूछ सकता है, बेरिलियम का यूज होता है, बेरिलियम ऑक्साइड का यूज होता है, और इवन इवन लाइट वाटर का भी कभी कभी यूज हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी केस में ड्यूटोरियम, हार्ड वाटर और ग्रेफाइट का यूज होता है, याद रखिए। तो 3 तो करेक्ट है, क्योंकि स्लो डाउन बाई ग्रेफाइट, ठीक है। एवरी न्यूट्रॉन्स रिलीज इन द फ्यूजन रिएक्शन इनिशिएट फर्दर फ्यूजन,
नहीं, क्योंकि आप रोक रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आपको बनाना क्या है, सेल्फ सस्टेन्ड, आपको अनकंट्रोल चेन रिएक्शन थोड़ी बनाना है कि आप इमिडिएटली यूज कर, आप स्लो कर दे रहे हो, क्या डाल के, ये डाल के स्लो कर दे रहे हो, तो कुछ तो न्यूट्रॉन हो गए वो इनिशिएट ही नहीं करे, क्योंकि न्यूट्रॉन जितना कम से कम रखोगे उतना ना सही होगा, तो 4 भी गलत हुआ, तो 1 एंड 3 इज करेक्ट। न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, उसको एक और नाम बोलते हैं, यहाँ पे याद रखिए, मॉलिकुलर फर्नेस, इसको बोलते हैं एटॉमिक पाइल भी बोलते हैं, मॉलिकुलर फर्नेस भी बोलते हैं, ये सब इंडिविजुअल क्वेश्चन में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और न्यूक्लियर में तो हमने देखा यहाँ होता है हाइड्रोजन बम, में क्या होता है, हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके फ्यूजन करता है, यहाँ पे फ्यूजन हुआ, वहाँ पे फ्यूजन, फ्यूजन, FUSION। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो यहाँ पे देखो, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट कितना कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कि न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें और वो फिजन के प्रिंसिपल पे काम करेंगे, तो सीधा सीधा गलत हुआ, आंसर आ गया कि नहीं, तो सिंपल आंसर सी, टोकामक डिजाइन पे काम करता है और वेरी हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है, एग्जाम्पल के लिए सन का देख लो, हाई टेम्परेचर पे काम किया ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक बॉम्ब, क्या डिफरेंस होता है पढ़ते हैं। देयर इज नो चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, भाई अभी तो हमने देखा कि चेन रिएक्शन चाहिए, द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड, द चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज नॉट कंट्रोल, द एटम बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, वेयर एज न्यूक्लियर रिएक्टर इज एक चीज देखो, आपको ये लगेगा डी, ये हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब सिंपल होता है जो पीसफुल पर्पस के लिए हम बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, पीसफुल पर्पस, हम यहाँ पे एटम बम और हाइड्रोजन बम के बीच डिफरेंस नहीं करते, अगर ऐसा रहता तो एटम बम किस पे काम करता है, फीजन, और हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है, फ्यूजन, एटम बम फीजन, हाइड्रोजन बम फ्यूजन, ये काम करता है, तो ये ऑप्शन होता तो डी होता, लेकिन यहाँ पे हम न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे पीसफुल पर्पस के लिए एनर्जी बनाते हैं, ये है बम, तो यानी ये तो ये कंट्रोल होता है, ये अनकंट्रोल होता है, नॉर्मल बात है, तो ऑप्शन कौन बनेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर का कंट्रोल होता है और न्यूक्लियर रिएक्टर का कंट्रोल होता है और एटम बम का अनकंट्रोल होता है, तो यही एक ऑप्शन है, बी इज ए करेक्ट। डी तो क्यों ऑप्शन है पता है, एटम बम, भाई एटम बम किस, एटम बम न्यूक्लियर बम की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बम रहता ना तो डी स्टेटमेंट करेक्ट होता, इतना ही रहने देते, नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, और आप मेरे नंबर याद रखिएगा, कोई भी नंबर हो, मैं कोई भी डाउट हो, कुछ भी फीडबैक देना हो, मैसेज करना, और कोई भी कोर्स जैसे घटना चक्र का कोर्स, ये वाला जो आप देख रहे हो, इसके अलावा BPSC से पहले कवर ये हो जाएगा आराम से, और उसके अलावा NCERT, जो NCERT का कोर्स हमने अभी स्टार्ट किया है, क्राउन का कोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट, क्राउन पूरा कवर है, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव का कोर्स, ये सब ज्वाइन कर सकते हैं, मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।